दो राज्यों में 3 सड़क हादसे, 22 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। कर्नाटक में बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर एक्सीडेंट। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बुधवार रात से गुरुवार सुबह के बीच 3 अलग अलग सड़क हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 घटनाएं महाराष्ट्र के बीड जिले की हैं। एक्सीडेंट में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर की है। यहां बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर एक कार और एक ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। सभी लोग बागेपल्ली से चिक्कबल्लापुर की ओर जा रहे थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीड जिले में गुरुवार सुबह 4 बजे मुंबई से आ रही एक बस सड़क से 150 फीट नीचे खाई में गिर गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बस में करीब 40-50 यात्री सवार थे। बीड जिले में दूसरी घटना अहमदनगर रोड पर हुई। यहां एक एम्बुलेंस ने ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। इसमें एम्बुलेंस पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार की रात 9:30 पर हुआ। महाराष्ट्र में बस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि सागर ट्रेवल्स कंपनी की एक बस मुंबई से बीड जा रही थी। आष्टा हरिनारायण पर टर्न लेने के दौरान बस ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। इससे बस सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। घायलों का आष्टी और जामखेड़ में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अहमदनगर रेफर किया गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।